अच्छा जी, मैंने कोडिंग लिख सारा लिखा, लिखने के बाद मैंने जो काम किया वो क्या किया, इसमें मैं ये यहाँ पे इंट है, इंट इक्वल एक्स इक्वल टू वाई इक्वल थ्री जी इक्वल सिक्स, तो इंट के अंदर ही हमने इंटीजर को आंस वन आंस टू और आंस थ्री बोल दिया। आंस वन इक्वल है वाई के, इक्वल एक्स को हमने डिवाइड किया, z के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया y से, तो हमारे पास जो आंस आया वो आ गया। इसका जो रिमेनिंग आंस आंस वन होगा वो हमने फाइंड करना है, उसके बाद आंस टू हमने देखना है, आंस थ्री देखना है, आंस फोर। उसमें मैं यहाँ पे आपके सामने दिखाऊँ इसके आउटपुट आई, आउटपुट में देखें हमारे पास आंस वन आ रहा है जीरो, आंस टू आ रहा है सेवन, आंस थ्री आ रहा है, यहाँ तक ये हमारा काम है देखने, देख के हम लोग इसका जो आंसर है।